में जो है वो सुराख हो गया, ये देखते जी सारा का सारा। अच्छा जी मुझे बताइए जब ये फायर वायर सारा ये नीचे क्या था? जी बिल्कुल, इसका मलबा नीचे पड़ा हुआ है जी, और ये शेल जो है ये देख सकते हैं। घर वालों को कोई नुकसान कोई नीचे नहीं, तो इसमें नहीं था, ये हाल में है। और कमरे में लोग थे जो बाकी घर वाले थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल इसमें टैंकी वगैरह सारा ये जी बिल्कुल ये देखे ना टैंकी देख सकते हैं आप, इसका क्या हशर हो गया हुआ है। और ये देखे जी सारा जो है वो सिस्टम सबके साथ में हम आपका मेजबान अब्दुल रहमान तुझे आज आज हम मौजूद हैं चारवा सेक्टर में, और जहां पर भारतीय जो है इंडियन यूनियन की फौज है उन्होंने जो है वो फायरिंग की है और गोलेबारी भी हुई है, और जहां पर जो हम ये एक घर में मौजूद है जहां पर जो है वो रात के वक्त जो है वो फायरिंग हुई है और नुकसान भी जो है काफी हुआ है, और हमारे साथ मौजूद है हम उनसे भी जानेंगे। और ये आप नुकसान देख सकते हैं कि साथ आगे दिखाएगा, ये देखिए इधर जो है ना वो मिसाइल आकर गिरा, और ये देखिए जी इस सारा जो है इनका टूटा हुआ है, और भी जो है वो काफी नुकसान हुआ है, वो गेट को भी नुकसान हुआ है, और भी नाजिम मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखे जी ये इनका दिखाएं तो ये वाशरूम वगैरह, और ये देखे ये जो सारा पानी मोटर ये पंप वगैरह सारे जो है वो टूटे हुए हैं, वो सारे जो है नल वगैरह भी टूटे हुए हैं, ये सारा जो है सामान बिखरा हुआ है, और ये बेसन वगैरह और घर फ्रिज भी दी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी मुझे बताइए सर कि ये जो रात को जो फायरिंग हुई क्या टाइमिंग थी, और जब वो गोलाबारी शुरू हुई ये घर वालों का क्या रिएक्शन था? जी हम इस वक्त जो है आप मौजूद हैं विलेज जमालजन मराज के सेक्टर में मौजूद हैं, और कल रात अचानक 7:30 बजे के करीब भारतीय फोर्सेज की जानब से फायरिंग शुरू की गई, और उस फायरिंग के जवाब में पाकिस्तानी आर्मी ने भी खूब उनका भरपूर जवाब दिया जी। और अचानक उन्होंने आबादी वाले गांव पे जो गोलाबारी की शेलिंग शुरू कर दी, और उससे अवाम में काफ़ी खौफ हरास पैदा हो गया, और यहाँ पे जनाब लोगों ने अपने अपने घरों में मैसूर होकर रह गए, और तकरीबन 3-3.5 घंटे से लगातार शदीद गोलाबारी जो है वो यहाँ पे जारी रही, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी माली नुकसान हुआ और जानवर भी एक्सपायर हुए, एक दो भैंस को भी शल लगे उसके फायरिंग के, और दूसरा भी जो माली नुकसान है लोगों का, और तकरीबन 8 मार्टर गोले जो हैं इस गांव में पड़े हैं, जो मुख्तलिफ ये तकरीबन 100 मीटर के एरिए के दरमियान पड़े हैं 8 मार्टर गोले, और जब ये गोले पड़ते थे तो पूरा गांव हिल जाता था, तो इतनी शदीद यानी इनकी शैलिंग थी, और बच्चों में और बूढ़ों में बुजुर्गों में खौफ और हरास की जो फैला हुआ था, तो सारी रात लोग सोए नहीं है इस गांव में। अच्छा मुझे बताइए कि जी ये जो 7:30 का ये जो है वो गोलाबारी शुरू हुई और वो सारी रात होती रही, एक दो घंटा हुई है फिर ये फायरिंग जो है तकरीबन 11:30-12 बजे स्टॉप हो गई, उसके 2 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा ये शैलिंग शुरू हो गई, और सारी रात लोग सोए नहीं है। और हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं, पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इंडियन फौज ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और हम इनको इंडियन फोर्सेस जो है इन्होंने जो हमला किया पाकिस्तान पे इनको भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह, और हम हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं हमारे गांव में ये जो नुकसान लोगों का हुआ है इसका अजाला किया जाए और इन लोगों की सुनवाई की जाए, इनका आके मुतालबा सुना जाए। अच्छा जी मुझे ये बताइए कि ये जो जो आपको जब ये इस घर में फायरिंग हुई है इनका जो मिसाइल गिरा, और क्या जो है वो उस वक्त जो है वो घर वालों का क्या रिएक्शन था, कोई साउंड वगैरह? साउंड बहुत ज्यादा थी और धमाके की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी, और घर में ये लोग यहाँ पे ये सामने लेके बच्चे बूढ़े सब घर थे तो जी बिल्कुल यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र जख्मी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे साथ एक भैंस है वो जख्मी हुई है, और एक कट्टा जो है एक मिसाइल नहीं 8 मिसाइल गिरे हैं इस गांव में 8 मिसाइल जी जी, एक इधर गिरा है, साथ वाले घर में गिरा है, जो है मुझे जैसा कि दिख रहा है नाजिन जो है इस घर में पड़े और दीवारें वगैरह दरवाजे पे भी मिसाइल पड़े हुए हैं, मेरे साथ अगर चले तो मैं आपको दिखाता हूँ छत पे भी पड़े हुए हैं जी। नाजिन चलते हैं छत पर, छत पे आ नाजिन हम इस वक्त जो उनका छत पर मौजूद हैं, ये यहाँ पे जो मार्टर ब्लास्ट जो हुआ था ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो वो
छत में जो है वो सुराख हो गया, ये देखते जी सारा का सारा। अच्छा जी मुझे बताइए जब ये फायर वायर सारा ये नीचे क्या था? जी बिल्कुल, इसका मलबा नीचे पड़ा हुआ है जी, और ये शेल्स जो है ये देख सकते हैं। घर वालों को कोई नुकसान कोई नीचे बैठा नहीं, इसमें नहीं था, ये हाल में है। और कमरे में लोग थे जो बाकी घर वाले थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल इसमें। टैंकी वगैरह सारा ये जी बिल्कुल, ये देखे ना टैंकी, देख सकते हैं आप इसका क्या हशर हो गया हुआ है। और ये देखे जी सारा जो है वो सिस्टम। अच्छा जी ये देखे ना जी, यहाँ ये जो सुराख है जी, ये मोटर फायर हुआ था यहाँ पे रात को, तो नीचे अल्लाह का शुक्र है कोई अमलाक नहीं थी या कोई बंदा नहीं था, नहीं तो नुकसान काफी हो जाता है। जानवर बंदे हवेली नहीं है, ये हवेली है, यहाँ किसी जानवर को नुकसान हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जानवर का नुकसान नहीं हुआ। दिन में आप जो है वो ये सारी जो सूरत हाल जो है वो सारे जो है जहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई, और जो है हमारी जो है पाक फौज ने जो है पाकिस्तान पाक फौज ने जो है वो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और जो है वो सारा जो है वो मोर्चे वगैरह उनके तबाह कर दिए। इनके दुश्मन ने अपना काम जारी रखा था, लेकिन उन्होंने हमारी पाक फौज ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनका मुंह बंद कर दिया। जी नाज़रीन आज मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, और देखते रहना वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।